upgrading, you are downgrading. साथियों, क्या आप जानते हैं 2019 की सबसे बड़ी व्यापारिक असफलता कौन सी थी? एक बहुत बड़ी कंपनी जिसके सिर पे ताज था और पूरी दुनिया उसको सलाम कर रही थी, वो देखते ही देखते साफ हो गई। 8000 करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन वाली एक कंपनी यूनिकॉर्न, 1.1 बिलियन डॉलर जिसकी कीमत थी 2016 में, वो 2019 में चुपके से बिक गई 50-60-70 मिलियन डॉलर में, अर्थात महज 500-600 करोड़ में। 8000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी देखते ही देखते 500-600 करोड़ में बिक गई और खबर ही नहीं बनी। खबर दब गई कि खबर दबा दी गई। 7 लाख से ज्यादा मर्चेंट थे उनके प्लेटफॉर्म पे, 40,000 से ज्यादा प्रोडक्ट उस कंपनी के कैटलॉग में थे और एक समय पर वो अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से यूं पंजा लड़ा रही थी, पंजा। और देखते ही देखते साफ हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन बुलबुला जो फूटा इस साल, उसका नाम है शॉपक्लूज, शॉपक्लूज, शॉपक्लूज। साथियों, इस केस स्टडी को बीच में मत छोड़ना, अंत तक देखना, क्योंकि आप इससे सीखेंगे कैसे हजारों करोड़ की कंपनी गलतियां कर करके खाक में मिल जाती है और आप अपने बिजनेस में भले ही छोटा हो या बड़ा, आप उन गलतियों को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। सफलता की कहानियां बहुत लोग बताते हैं, ये केस स्टडी आपको बताएगी क्या क्या करने से कोई असफल होता है। आइए देखते हैं शॉपक्लूज की शुरुआत कैसे हुई। 2011 में राधिका और संदीप अग्रवाल की कैलिफोर्निया में मुलाकात हुई संजय सेठी से। इन लोगों के पास एक आइडिया था, इन्होंने आइडिया आपस में शेयर किया, आइडिया को मैच्योर किया और देखते ही देखते 3 दिन के भीतर 12 एंजल इन्वेस्टर्स ने 1.8 मिलियन डॉलर इनको दे दिए कि जाओ और कंपनी स्टार्ट करो। ये लोग उसको लेके इंडिया चले आए अपने आइडिया के साथ, अपने कंसेप्ट के साथ, और शॉपक्लूज की स्थापना की। और मजे की बात, 2016 में महज 5 साल के बाद शॉपक्लूज का वैल्यूएशन हो गया 1.1 बिलियन डॉलर। 1.1 बिलियन डॉलर का अर्थ है 8000 करोड़ से ज्यादा। 8000 करोड़ जिसको कमाने में कई पुश्ते लग जाए, उम्र निकल जाए, कई देश की बड़ी बड़ी कंपनियों की साइज भी इतनी नहीं, 8000 करोड़। लेकिन उसके बाद ऐसी क्या गलतियां हो गई जिससे कंपनी साफ हो गई? आइए बात करते हैं उन गलतियों की जिसने 8000 करोड़ का 90% हिस्सा साफ कर दिया। लीडरशिप कंफ्लिक्ट। शॉपक्लूज के 3 लीडर थे, इसमें से संदीप अग्रवाल को 2013 में इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन के बाद संदीप अग्रवाल ने लीगल तरीके से और दूसरे दूसरे सोशल मीडिया में अपनी पत्नी और पार्टनर पे अलग अलग किस्म के आरोप लगाए। ये जो पूरा पब्लिक स्पैट, इसकी अगलीनेस ये लोगों तक, नीचे तक चली गई और कहते हैं जहां की लीडरशिप में गड़बड़ हो वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकता। ग्रेविटी ऊपर से नीचे, बारिश ऊपर से नीचे, ठीक उसी तरीके से कंपनी का कैरेक्टर भी ऊपर से नीचे आता है। यदि लीडर रतन टाटा, नारायण मूर्ति जैसे इंटेग्रिटी वाले हो, ट्रांसपेरेंसी वाले हो, तो पूरी कंपनी का डीएनए वैसा ही नजर आता है। और यहां पर लोगों को शॉपक्लूज पे डाउट होने लग गया क्योंकि टॉप लीडरशिप पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। साथियों, आप चौंक गए होंगे, लेकिन मजे की बात है ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस केस स्टडी को अंत तक देखिए क्योंकि आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे 8000 करोड़ की कंपनी गायब कहां हो गई। यदि ये वीडियो आप तक किसी माध्यम से पहुंचा है तो उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, वीडियोस देखना ना भूलें। एक्सेसिव प्रोडक्ट रिटर्न। शॉपक्लूज का यूएसपी क्या था? उसमें लाखों सेलर्स थे और वो मेन कहां पर सप्लाई करते थे? छोटे छोटे टाउन और विलेजेस में अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल रेट पे। अब दिक्कत क्या आई? प्रोडक्ट्स का क्वालिटी एश्योरेंस नहीं होने की वजह से एक्सेसिव प्रोडक्ट रिटर्न आने लगे। कहते हैं एक वक्त ऐसा आ गया कि हर 100 में से 40 प्रोडक्ट रिटर्न आने लगे। पूरा सोशल मीडिया कंप्लेंट से भर गया क्योंकि यदि कोई भी क्वालिटी चेक के बिना प्रोडक्ट किसी के घर पहुंच रहा है, वो सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा था। वो कह रहा था हमने शॉपक्लूज से लिया और ये सारा सवाल शॉपक्लूज के ऊपर उठने लगा। लैक ऑफ डिसरप्टिव एंड इनोवेटिव अप्रोच। साथियों, जब शॉपक्लूज आया उस वक्त अमेज़न नहीं था मार्केट में और फ्लिपकार्ट और स्नैपडील अभी तक बड़े मार्केट प्लेस नहीं बने थे। धीरे धीरे कंपनियां इवॉल्व होने लगी, अमेज़न आ गया, कंपटीशन बढ़ने लगा, बायर इवॉल्व होने लगा, सारी कंपनीज अपने टेक्नोलॉजी में चेंज करने लगी,
अपने डिलीवरी सिस्टम में चेंज करने लगी, क्वालिटी कंट्रोल के मेजर्स लाने लगी, लेकिन शॉपक्लूज नहीं बंद रहा। वो देखता रहा खड़े होके और दूसरी कंपनियां डिसरप्शन लाती रही अपने पूरे बिजनेस मॉडल में, अपने पूरे काम करने के तरीकों में। और देखते ही देखते उन सब ने शॉपक्लूज का शेयर खाना शुरू किया। और जब तक शॉपक्लूज जागा बहुत देर हो चुकी थी। यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपके बिजनेस में कॉम्पिटिशन बिल्ड हो रहा है? क्या और प्लेयर्स आ गए हैं? क्या वो धीरे धीरे आपका शेयर खा रहे हैं? याद रखिए, यदि आपके मार्केट में कंपटीशन है तो आपको लगातार इनोवेट करना पड़ेगा। यदि आपके मार्केट में कंपटीशन है तो आपको डिसरप्टिव होना पड़ेगा, दूसरे से पहले सोचना पड़ेगा, दूसरे से तेज सोचना पड़ेगा और दूसरे से अलग सोचना पड़ेगा। थिंक फर्स्ट, थिंक फास्ट एंड थिंक फ्यूचर, ये आपके जीने का मंत्र होना चाहिए। और ऐसे एग्जाम्पल इतिहास में हजारों हैं। एम्बेसडर से शुरू करके, HMT से शुरू करके, कोडक, ब्लैकबेरी, नोकिया, लाइन लगी ऐसे एग्जाम्पल्स की जिन कंपनीज ने बदलना नहीं चाहा। यदि कंपनीज को जिंदा रहना है, फ्लेक्सिबल, इनोवेटिव और डिसरप्टिव, तीनों गुण उनके नस नस में होने चाहिए। साथियों, मैं अपने लोकप्रिय प्रोग्राम बिजनेस गुरुकुल, बिजनेस ऑडिट आदि में लगातार लोगों से कहता हूं, जब मैं उनको बिजनेस सिखाता हूं, मैनेजमेंट सिखाता हूं, तेजी से ग्रोथ करने के रास्ते सिखाता हूं, उस वक्त मैं उनसे हमेशा कहता हूं, शिखर पर पहुंचने के रास्ते सीखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है शिखर को मेंटेन करना सीखना। याद रखिए, जितनी ऊंचाई तक बिल्डिंग जाएगी उतनी ही गहराई तक उसकी नींव जाएगी। लैक ऑफ फंड्स, साथियों कभी सोच के देखिए, ये ऑनलाइन कंपनीज चल क्यों रही है? तभी वो किशोर बियानी और राकेश झुंझुनवाला सही कहते हैं। वो कहते हैं, जिस दिन ये ऑनलाइन कंपनियां पूरे दाम पे माल बेच लेंगी और पैसे कमा के दिखा देगी, उस दिन हम इन लोगों को मान लेंगे, अपना घर जला के तो कोई भी तमाशा देख सकता है। साथियों, लैक ऑफ फंड्स ये कैसे पैदा हुआ? 2015 में टाइगर ग्लोबल ने $100 मिलियन इनको फंड किया। जैसे ही वो फंड किया, पूरे दुनिया में शॉपक्लूज की चर्चा होने लगी। दिखते दिखते शॉपक्लूज के पास खूब फंड आया, शॉपक्लूज बड़ी हो गई। लेकिन तभी खूनी जंग शुरू हुई। खूनी जंग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जंग है, ये जितना हंगामा करते हैं कि इस साल हमारी इतनी सेल हुई, एक्चुअली इनकी जितनी ज्यादा सेल होती है इनको उतना ज्यादा नुकसान होता है। और मैं आज यहां कह रहा हूं, एडवांस में कह रहा हूं, बड़ी बड़ी खबरें आने वाली है, बड़ी बड़ी कंपनियां उड़ेंगी, आप देखते जाइए, क्योंकि हर कोई अपने घर से पैसा लगा के व्यापार चला रहा है। साथियों, ऑनलाइन मार्केट प्लेस एक इंटेंस बैटल है, अमेजन के बीच, स्नैपडील के बीच, फ्लिपकार्ट के बीच, शॉपक्लूज के बीच, और ऐसे में किसी बड़े इन्वेस्टर की ताकत नहीं थी कि वो सबको फंड कर सके। टाइगर ग्लोबल ने शॉपक्लूज को छोड़ा और अपना फोकस फ्लिपकार्ट की ओर लगाया और शॉपक्लूज अनाथ हो गया, क्योंकि शॉपक्लूज के पास मार्केटिंग के लिए, डिस्काउंटिंग के लिए पैसे ही नहीं बचे। और जो व्यापार पूरी तरह मार्केटिंग और डिस्काउंटिंग पर आधारित हो, उसके पास लैक ऑफ फंड्स हो जाए, वो उसी तरीके से है जैसे कोई बहुत बीमार पड़ा हो और उसके पास दवाई खरीदने को पैसे ना हो। साथियों, यहां हमको एक लेसन लेना बहुत जरूरी है। ये सब वो कंपनीज हैं जिनमें दूसरों का पैसा लगा हुआ है, इसलिए ये पैसा जब जलता है तो उतनी पीड़ा नहीं होती। आप जो व्यापार चला रहे हैं उसमें मैनेजमेंट पे टाइट पकड़ रखिए, कंपनी को लीन रखिए, अनावश्यक खर्चे मत कीजिए और कंपटीशन को पहले से दिमाग में लेते हुए नेक्स्ट लेवल का प्लान बनाइए, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे फिर से फंड्स की जरूरत पड़ती है। फेल्ड मर्जर, साथियों एक वक्त ऐसा आया जब ये बात उड़ने लगी कि स्नैपडील शॉपक्लूज को खरीद लेगा, लेकिन शॉपक्लूज का वेब ट्रैफिक नीचे आ चुका था, शॉपक्लूज का मोबाइल ट्रैफिक नीचे आ चुका था और शॉपक्लूज का पर डे ट्रांजेक्शन और मार्केट शेयर सब कुछ कम हो चुका था। और बहुत दिन तक शॉपक्लूज यूं यूं झूलता रहा, फाइनली वो मर्जर नहीं हो पाया। क्योंकि सच्चाई ये है, जब आप असफल होते रहते हैं उस वक्त कोई भी आप पे दांव नहीं लगाता, हर कोई चढ़ते सूरज को सलाम करता है, चलती गाड़ी में चढ़ना चाहता है। और ऐसे वक्त में ना तो इनके पास कोई इन्वेस्टर बचा, ना ही आगे जाने की कोई कंक्रीट योजना। फाइनली द न्यूज केम आउट, साउथ ईस्ट एशियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने, जो सिंगापुर में हेडक्वार्टर्ड है, उसने 50 से 80 मिलियन डॉलर के बीच एक जमाने के हाथी $1.1 बिलियन वैल्यूएशन वाली कंपनी शॉपक्लूज को खरीद लिया और पता भी नहीं चला। डीमोनेटाइजेशन इफेक्ट, आप बोलेंगे इसका इफेक्ट एक कंपनी पे क्यों आया? साथियों, भारत में पूरी तरीके से ऑनलाइन मार्केट प्लेस COD पे डिपेंडेंट थे, कैश ऑन डिलीवरी। हमारे यहाँ का जो बायर था वो पहले पैसा नहीं देना चाहता, माल घर में आएगा, मैं उसको देखूंगा, चेक करूंगा, उसके बाद भुगतान करूंगा।
इतने में सरकार ने डिमोनेटाइजेशन का हथौड़ा मारा। जैसे ही हथौड़ा मारा, तेजी से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये सब कार्ड डिलीवरीज में शिफ्ट हो गए। इन्होंने कार्ड को पुश करना स्टार्ट किया, बहुत सारी अलग अलग स्कीम लाना स्टार्ट की, लेकिन शॉपक्लूज ने अपनी टेक्नोलॉजी में उतना तेज परिवर्तन नहीं किया। यहां पर शॉपक्लूज के बिजनेस में 30% की गिरावट आई और वो सारा मार्केट शेयर इनके बाकी कंपटीटर्स ने उठा लिया। इससे सबसे बड़ा लेसन ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। हो सकता है शहर में कोई दंगा हो जाए, आपका बिजनेस डाउन हो जाए। हो सकता है लोकल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लगा दे, आपका बिजनेस डाउन हो जाए। हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लगा दे, आपका बिजनेस डाउन हो जाए। हो सकता है एनवायरमेंटल कोई क्लियरेंसेस की रिक्वायरमेंट पड़ जाए। और साथियों, जैसा हिंदुस्तान में हुआ वैसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट इतना बड़ा GST लेके आ गई और इतना बड़ा डिमोनेटाइजेशन लेके आ गई। यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी बहुत से लोग GST पे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आज भी बहुत से लोग ईवे बिल पे लेफ्ट राइट मार रहे हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार हर दिन सख्त हो रही है, आपके हर ट्रांजेक्शन पे सरकार की नजर है। इतनी जगह चेक पॉइंट्स बने हैं, आप यहां गड़बड़ करेंगे तो यहां पकड़ाएंगे, यहां गड़बड़ करेंगे तो यहां पकड़ाएंगे। अभी भी वक्त है शॉप क्लूज वाली गलती ना करें, तेजी से उस पॉलिसी के हिसाब से अपने आप को चेंज करें। भले टेम्परेरी पेन होगा, लेकिन कम से कम आपकी मार्केट लीडरशिप बरकरार रहेगी या साफ होने से तो बचे। लगातार उज्ज्वल पाटनी शोज देखें, इनको शेयर करें, ताकि हम सब मिलके इंडियन इकोनॉमी को ऊपर ले जा सके। और मैं नहीं चाहता कोई भी उज्ज्वल पाटनी शो देखने वाला व्यक्ति शिखर पर पहुंचकर शॉप क्लूज की तरह यूं लुढ़कता हुआ अपना व्यापार खोले। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।